Hi everyone! A very good morning to all of you. I welcome you all to another session of RBI 247, wherein we discuss finance current affairs that are relevant for RBI Grade B and SEBI Grade A exam. I hope you are preparing very well, especially for RBI Grade B exam, which is just around the corner. Kabhi notification asaphi. And for that, finance current affairs are very important for phase one as well as phase two as well as interview.

From a bank or uh, an NBFC online using a digital platform, using a digital platform or digital application. So, a digital application ki through. When you loan, lete from a bank, that is nothing but digital lending. Now, these digital lending guidelines these are applicable on all commercial banks, primary urban cooperative banks, state cooperative banks, and district central cooperative banks. Other than that, NBFCs as well. तो इन सब पे ये डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई आर एप्लीकेबल डिजिटल टेक्नोलॉजी जब आप लेंडिंग करते हैं फ्रॉम बैंक एंड बैंक लेंड यू थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल एप्लीकेशन दवर्ड अंडर डिजिटल लेंडिंग अब इसमें बहुत सारे प्रोसेसिस जो होते हैं एक लोन में वो सारे ही डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू होते हैं फॉर एग्जाम्पल कस्टमर एक्विजिशन क्रेडिट असेसमेंट क्रेडिट असेसमेंट ऑफ द बोरवर जो लोन लेना चाहता है उसकी असेसमेंट होगी वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल ऑफ द लोन रीपेमेंट ऑफ द लोन ये सारे जो प्रोसेस होते हैं एक लोन प्रोसेस के अंदर दीज विल बी डन थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन इसी को कहते हैं डिजिटल लेंडिंग

Processes, क्या करा है अपना थोड़ा सा काम आउटसोर्स कर दिया है एक लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को अभी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर अपनी एप्स के थ्रू आगे लेंड कर सकते हैं दिस इज डिजिटल लेंडिंग 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 एंड दिस इज द ऑफ डिजिटल एल एस पी इट इज एन एजेंट ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटीज वॉट इज अ रेगुलेटेड एंटिटी रेगुलेटेड एंटिटी बैंक नॉन बैंक कमर्शियल बैंक जिनके ऊपर भी ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल थी जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़े हैं अंडर दिस दीज आर ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज तो रेगुलेट द एल एस पी एज एन एजेंट ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी हु कैरीज आउट वन और मोर ऑफ द लेंडर्स फंक्शन फॉर एग्जाम्पल कस्टमर एक्विजिशन और रिकवरी ऑफ लोन और मॉनिटरिंग अंडर राइटिंग सपोर्ट कुछ फंक्शन आउटसोर्स कर दिए जाते हैं लेंडिंग लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर को आर आर डिजिटल एप्स प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एप्स जिनके थ्रू लेंडिंग फैसिलिटेट होती है सो मोबाइल एंड वेब बेस्ड एप्स विद यूजर इंटरफेस दैट फैसिलिटेट डिजिटल लेंडिंग सर्विसेस ओके अब इनके अंदर दोनों की एप्स आ जाती है रेगुलेटेड एंटिटीज की भी या फिर लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर की अगर ये दोनों ही कोई मोबाइल ऐप या वेब बेस्ड ऐप यूज कर रहे हैं बोथ ऑफ दीज विल बी कवर्ड इन दिस ओके ओके तो अब लोन सर्विसिंग लोन कैसे मिलता है जो भी लोन uh, की रीपेमेंट होती है वो डायरेक्टली रेगुलेटेड एंटिटीज के अकाउंट में जाती है So, ये जो एल एस पी है इनका सिर्फ एक आउटसोर्सिंग का काम है दीज आर जस्ट द थर्ड पार्टी और एन एजेंट ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी दीज आर जस्ट द एजेंट ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटीज तो ये जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना ही ये कोई अमाउंट पूल करते हैं दे विल नॉट पूल एनी अमाउंट नॉट दे विल कीप एनी अमाउंट दैट इज रिकवर्ड फ्रॉम द बोरवर दे विल नॉट कीप एनी अकाउंट और

बी कन्वेड टू द बोरवर बोरवर को बताना पड़ेगा कि क्या एनुअलाइज पीनल चार्ज है एनुअलाइज पीनल चार्ज है थ्रू की फैक्ट स्टेटमेंट तो एक की फैक्ट स्टेटमेंट बोरवर के पास जाएगी जिनको पता लगेगा कि क्या पीनल रेट है एंड क्या चार्ज है जो कि उनके आउटस्टैंडिंग लोन पे लगाया गया है ओके okay. देन अब बोरवर को सारी डिटेल्स जो भी एल को देनी है वो ओनली नीड बेसिस पे होगी

आरी को कम्युनिकेट करना पड़ता है बरोअर को अबाउट हु विल बी द एलएसपी एंड द फैक्ट दैट दे कैन रिकवर द लोन सो ऑन ये कब पता लगाना चाहिए एट द टाइम ऑफ सैंक्शनिंग या फिर जब अथॉरिटी मिल जाती है एलएसपी को टू रिकवर द लोन उस टाइम पे भी आप बता सकते हैं ओके okay. तब भी आप बता सकते हैं एट द टाइम ऑफ सैंक्शनिंग द लोन एंड आल्सो एट द टाइम व्हेन द अथॉरिटी इज गिवन टू द एलएसपी

एंड बॉर्वर कंसेंट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सो द कंसेंट ऑफ द बॉर्वर इज इंपॉर्टेंट एंड दिस ओनली एंड शुड नॉट बी मिस यूज बाई दर बी आई की क्या क्लैरिफिकेशन आई है जो कार्ड होते हैं क्रेडिट कार्ड वॉट दे डू इज क्रेडिट कार्ड देर यू ई एम आई प्रोग्राम्स तो बहुत सारे ई एम आई प्रोग्राम्स ऑफर करे जाते हैं बाय द क्रेडिट कार्ड सो एनी थिंग दैटीज प्रोग्राम्स ई एम आई प्रोग्राम्स

डिजिटल okay, so, लेनिंग क्योंकि इसमें क्रेडिट कार्ड लोन प्रोवाइड कर रहे हैं सो इफ क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड एनी लोन प्रोडक्ट टू दोरवर्स दीज विल बी अंडर द गाइडलाइन ऑफ डिजिटल लेंडिंग हाउ एवर

उसके लिए उनको पेमेंट रिसीव करनी है कस्टमर दिस इज थ्रू पेमेंट गेट वे तो अब पेमेंट गेट वे फॉर एग्जाम्पल एमेजोन पे या एच डी एफ सी का पेमेंट गेट वे है आईसीआई का पेमेंट गेटवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है अब ये मर्चेंट से कुछ फीस लेते हैं मर्चेंट रिसीव मनी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द कस्टमर एंड दे पे द मनी टू द मर्चेंट दिस इज दर प्रोसेस ऑफ

ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल देर आर हंड्रेड कस्टमर्स पेइंग टू सर्टन मर्चेंट एंड दिस पेमेंट एग्रीगेटर इज रिसीविंग द मनी थ्रू यूपीआई कार्ड वॉलेट नेट बैंकिंग सो इन सारे मेथड्स को यूज करके हंड्रेड कस्टमर्स ने पेमेंट करी है मर्चेंट को सो दिस पेमेंट एग्रीगेटर विल पूल द मनी एंड देन पे टू द मर्चेंट आफ्टर तो तो. ये ये सारा मनी पूल करके merchant, सबसे पहले अलग-अलग टवर्क एच डी एफ सी और एमेजोन ये सारी सर्विसेज आपको ये डिफरेंट गेटवे की सर्विसेज आपको एक एग्रीगेटर के अंदर मिल जाती है ओके सो फॉर एग्जाम्पल रेजर पे रेजर पे इज वर्किंग एज अ पेमेंट एग्रीगेटर ठीक है इन यू कैन मेक पेमेंट थ्रू एनी ऑफ दीज यू वॉलेट कार्ड किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं मर्चेंट को सो रेजर पे एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर ओके सो एंड पेमेंट एग्रीगेटर के अंडर बहुत सारे गेटवेज भी हो सकते हैं वर्किंग ठीक है सो दिस इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म सिंगल एंटिटी प्रोवाइडिंग यू मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन एंड मल्टीपल पेमेंट गेटवेज एज वेल सो दे आर कनेक्टिंग एंड ऑल्सो एग्रीगेटिंग द मनी एंड गिविंग इट टू द मर्चेंट सो so, अब ये हमने पढ़ लिया कि कुछ एंटिटीज को नहीं मिला दे कैन अप्लाई इन वन ट्वेंटी डेज पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या है एज पर आरबीआई एंटिटीज दैट एंटिटीजेट ई कॉमर्स साइट एंड मर्चेंट्स मर्चेंट्स तो और ई कॉमर्स साइट को टू एक्सेप्ट पेमेंट इंस्ट्रूमेंट सो दैट दे कैन एक्सेप्ट पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द कस्टमर फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर पेमेंट अकाउंट तो ये एक फेसिलिटेट करते हैं कि आप पेमेंट ले सकते हैं फ्रॉम द कस्टमर ओके अब इसके अंदर क्या होता है सेपरेट पेमेंट इंडिगेट इंटीग्रेशन सिस्टम नहीं बनाना होता मर्चेंट्स को, सो मर्चेंट्स डू नॉट हैव टू तो गूगल पे पे यूपीआई और फॉर एक्साम्पल पेटीएम भारत पे इन सब पे उनको अकाउंट नहीं बनाना पड़ता ठीक है पेमेंट रिसीविंग वर्क ऑल्सो दे कनेक्ट द मर्चेंट्स टू आर दीज अक्स दीज आर बैंक्स

They pool it and transfer it to the merchant after a certain time. This is the work of payment aggregator. Now, what is payment gateway? PGs. PGs here stand for payment gateways. They are entities that provide technology infrastructure. They just provide an infrastructure okay, to route and facilitate processing of an online payment transaction without any involvement of handling of funds. They do not handle the funds, they do not pool the funds. Okay? They just provide an infrastructure. For example, Builders was also initially working.

क्राइटेरियाज दैट वॉट फॉलोड बाई सर्टन पेमेंट एग्रीगेटर्स उनको अप्रूवल इस बार नहीं मिला है आरबीआई से ठीक है सो वन ऑफ द क्राइटेरिया नेटवर्थ होनी चाहिए थर्ड फाइनेंशियल ईयर एट द थर्ड फाइनेंशियल ईयर आपकी नेटवर्थ हो जानी चाहिए ट्वेंटी फाइव करोर राइट द नेटवर्थ शुड गो अपू ट्वेंटी फाइव करोर बाय द एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर एंड दिस शुड बी मेंटेन ईयर आफ्टर ईयर दिस ट्वेंटी फाइव करोर एंड एलिजिबिलिटी के लिए आपकी नेटवर्क होनी चाहिए फिफ्टीन करोड़ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल अब जब अप्रूवल मिल जाएगा दे विल अंडर द डायरेक्ट पर सो द फर्म मस्ट ऑल्सो है आपको एक बार ऑलरेडी एक्सप्लेन करा गया है फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया क्या होता है जो प्रमोटर्स होते हैं डायरेक्टर्स होते हैं दे शुड बी फिट एंड प्रॉपर अब इनमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं फॉर एग्जाम्पल दे शुड नॉट बी ऑफेंडर्स दे शुड नॉट बी बार्ड बाई द कोर्ट ऑफ लॉ तो कुछ क्राइटेरियाज हैं दैट शुड बी फॉलोड आफ्टर विच यू विल बिकम अ फिट एंड प्रॉपर प्रमोटर और अ डायरेक्टर सो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए इन पेमेंट एग्रीगेटर्स को इसके अलावा भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर एग्जाम्पल एमओ ए में मेंशन होना चाहिए दैट यू आर वर्किंग एज अ पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड योर फंक्शनिंग शुड बी मैं एम ओ ए वट इज एमओ ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लॉजेस होते हैं

जिसमें फॉरन एक्सचेंज अलाउ फॉर एक्सचेंज यूज होता है ओके सो बाय द नॉन के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होती है जिसमें फॉरन एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है उनको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट सो ये सारी ट्रांजेक्शन आर गिवन अंडर वन बैलेंस दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट तो एक जहां पे सारी ट्रांजेक्शन गिवन होती है इट इज अ रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड बनाया जाता है सारी ट्रांजेक्शन का अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट इट शोज कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट वो बताता है कि कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है या इंपोर्ट कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज को ऑल्सो इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है लोन कितना लिया है सो बाहर से जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है ओके दीज आर रिकॉर्डेड एंड दिस रिकॉर्ड इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है कितना दे ओ टू दउटसाइडर्स एंड कितना दे आर रिसीविंग फ्रॉम द आउटसाइडर्स ठीक है सो इट इंडिकेट्स इधर कंट्री हैज सरप्लस और डेफिसिट ऑन ट्रेड ट्रेड का क्या मतलब है गुड्स एंड सर्विसेस तो अब इन बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं वन इज करंट अकाउंट एंड देन वन इज कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे करंट अकाउंट में क्या होता है करंट अकाउंट में देर इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल विजिबल मर्चेंडाइज ठीक है तो जब गुड्स एंड सर्विसेज विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है स ऑफ ट्रेड एंड जब इनविजिबल का होता है ट्रांसफर पेमेंट सर्विस इनविजिबल्स ओके बैलेंस ऑफ ट्रेड में गुड्स मर्चेंडाइज ठीक है सो दिस बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी इधर सरप्लस और डेफिसिट सरप्लस और डेफिसिट तो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं इंपोर्ट से अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं इंपोर्ट से मीनिंग वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ ऑफ मनी देन देन व्हाट वी वी आर आर पेइंग इन 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 सरप्लस एंड द ऑपोजिट ट्रू ट्रू इज केस डेफिसिट अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं देन वी आर इन डेफिसिट सो ट्रेड डेफिसिट का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ आ गया होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट के अंदर जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मैप होते हैं

बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जाम्पल एफडीआई फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो जो फॉरनर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में दैट कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट ओके इस बार का ट्रेड डेफिसिट इन द मंथ ऑफ़ जनवरी हैज़ लो 7.75 बिलियन दिस इज़ द लोएस्ट है अब बोथ मर्चेंट एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट है सेकेंड लो एक्सटर्नल डिमांड तो बहुत सारी कंट्रीज ने इन लास्ट फ्यू मंथ्स दे हैव गॉन फॉर मॉनिटरी पॉलिसी टाइटनिंग

उंट थर्टी टू पॉइंट नाइन वन बिलियन डॉलर टॉकिंग वाई बिकॉज ऑफ स्लो डिमांड फ्रॉम की डेवलप इकोनॉमीज ड्यू टू मॉनिटरी पॉलिसी टाइटनिंग एंड हाई इन्फ्लेशन अपार्ट फ्रॉम दैट इम्पोर्ट भी कम हुए हैं थर्टी सिक्स परसेंट एंड नाउ दिफ्टी पॉइंट्स क्यों कम हुए हैं गवर्नमेंट ने कुछ नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट आइटम्स पे कर्ब लगाए थे एंड इसका मतलब अगर इम्पोर्ट हमारे कम हो रहे हैं देन इट ऑल्सो मीन दैट इट इज अ वेरी गुड सिग्नल फॉर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया दिस वॉज वन ऑफ कॉन्सेप्ट मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है जो प्रोग्राम है इट इज वर्किंग जिसकी वजह से हमारे इम्पोर्ट कम हो रहे हैं वी आर नाउ नॉट डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स अदर देन दैट डोमेस्टिक डिमांड भी कम हो गई है फॉर इम्पोर्ट्स तो डोमेस्टिक डिमांड भी कम हो गई है मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग हो रही थी इन्फ्लेशन हो रही थी जिसकी वजह से डोमेस्टिक डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स हैव बिन लो गवर्नमेंट ने कुछ कर्ब्स लगाए थे नॉन एसेंशियल आइटम्स पे नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट आइटम्स पे दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन की इम्पोर्ट्स इस बार कम हुए हैं देन गोल्ड इम्पोर्ट्स भी इस बार बहुत ज्यादा कम हुए हैं एंड गोल्ड फॉर्म अ लार्ज पार्ट कंट्रीब्यूट टू करंट अकाउंट डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट हमने जो करंट अकाउंट पढ़ा था अगर उसमें ओवरऑल डेफिसिट हो जाए दैट मींस हम इंपोर्ट uh, ज्यादा कर रहे हैं देन एक्सपोर्ट दैट इज व्हेन वी आर इन डेफिसिट तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मेजर पार्ट होता है मेजर पोर्शन होता है बिकॉज़ ऑफ गोल्ड इंपोर्ट्स वी इंपोर्ट गोल्ड अ जिसमें कमी आई है दैट हैज डिक्लाइंड 70% एंड नाउ स्टैंड्स एट 697 मिलियन

जो भी ट्रांजेक्शन है जो भी प्रोसेस है देन इट विल कम अंडर डिजिटल लेंडिंग इफ समथिंग इज डन फिजिकली अगर कुछ फिजिकल इंटरफेस भी इन्वॉल्व हो रहा है फॉर एग्जाम्पल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट हो रही है और रिकवरी ऑफ लोन फिजिकली हो रहा है सो इधर वन ऑफ द टू प्रोसेस इफ एनी वन प्रोसेस और अ फ्यू प्रोसेस इज डन ऑन अ फिजिकल इंटरफेस तब भी हम उसको डिजिटल लेंडिंग

to all loans offered on debit cards this statement is correct yes okay so which of the following statements is are correct regarding digital lending guidelines loan servicing repayment etc shall be executed by the borrower in the RE that is regulated entities bank account that is correct the rate of penal charges shall be disclosed on an annualized basis to the borrower in the key fact statement this is correct jo bhi penal charges ya interest rate levied on this borrower in outstanding loan, pe, this should be disclosed in the key fact statement. Fee charges payable by the REs to the LSPs can be charged by the borrower under the loan agreement, can be charged to the borrower. So, is this statement correct or wrong? You will have to tell me. The REs have to give a certain fees to the LSPs. Can they be charged by the borrowers? next question which of the following statement is are incorrect about balance of payment What is it? it is a systematic record, systemic record of economic transactions between residents of a country no between resident and non residents capital account shows export and import of visible no this is current account and the third statement is current account shows net flow of both private and public investments into an economy it is incorrect it is capital account

एंड कंज्यूमर को बहुत सारे ऑप्शन देना फॉर मेकिंग पेमेंट्स एंड देन पूल द अमाउंट एंड देन पेड टू द मर्चेंट सो दिस वॉज अबाउट या दैट सेट फॉर टूडे आज का सेशन यही खत्म होता है प्लीज कॉमेंड डाउन वट आर दिस क्वेश्चन थैंक यू